नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका india.com में। मैं हूं आपका ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। मित्रों, आज हम विषय बहुत दिलचस्प आपके लिए लेकर आए हैं। आपने अक्सर देखा होगा या आपने कभी महसूस भी किया होगा कि आपके घर की छत पर बहुत सारे गिद्ध या पक्षी मंडरा रहे हैं। देखिए, गिद्ध का, बाज का या चील का आपकी छत के ऊपर मंडराना एक नकारात्मक ऊर्जा का संकेत होता है। वैसे तो अक्सर आपकी छत पर आप पक्षियों के लिए कुछ दाने की, कुछ खाने की व्यवस्था करते हैं, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। हमेशा आप पक्षियों की सेवा के लिए उनके खाने की व्यवस्था, उनके पीने की व्यवस्था किसी पार्क में या फिर किसी घर के बाहर कहीं खुले स्थान पर करिए, वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन बाज का या गिद्ध का या फिर बड़े पक्षियों का आपकी छत के ऊपर मंडराना कहीं ना कहीं एक नकारात्मक ऊर्जा का संकेत हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा अनुभव भी किया गया है, देखा भी गया है कि कुछ छोटा जीव या पक्षी आपकी छत पर कहीं मर गया है तो उसको उठाने के लिए भी जो ये पक्षी या बाज जो होते हैं वो अक्सर चक्कर लगाते रहते हैं, तो ये भी अक्सर देखा गया है। आप बिल्कुल ना घबराएं, हमेशा हर पूर्णिमा पर, हर अमावस्या पर जरूरतमंद लोगों को अन्न का, वस्त्र का, दवा का दान करें और पशु पक्षियों की सेवा करना आरंभ कर दें। तो इतना करने से भी इस नकारात्मक ऊर्जा का आपके घर पर किसी तरीके का कोई प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ेगा। फिर किसी नई वीडियो को लेकर ज्योतिष गुरु आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए india.com। नमस्कार।